नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान शब्दावली के पिछले वीडियो में जो कि मनोविज्ञान पढ़ने से पूर्व अति आवश्यक है उससे जुड़ी शब्दावली से परिचित होना, अन्यथा किसी भी सूरत में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो समझ में आने का नहीं है। कारण ये है कि मनोविज्ञान उसमें जितने भी जो बातें लिखी हुई है किताब में, जो लैंग्वेज लिखी हुई है, टीचर जो पढ़ाता है और जो लैंग्वेज बोलता है वो बार बार उन शब्दों का प्रयोग करता है। जब हिंदी आप पढ़ते हो या जीके आप पढ़ते हो तो वहां नाम सुनते हो, संधि समास उपसर्ग कारक पढ़ते हो, उन सब का अर्थ जानते हो, लेकिन मनोविज्ञान में संवेग संज्ञान अमूर्त मूर्त मनोगत्यात्मक संक्रिया इस तरह का अधिगम स्थानांतरण परिवर्तन समन्वय समायोजन, तो ये जो शब्द है वो पहले न तो कभी सुने न पढ़े, केवल बीएड और एसटीसी करते समय उन शब्दों को पढ़ा। आइए उन शब्दों को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मनोविज्ञान अन्यथा उन शब्दों के बगैर, जो यहां पर हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, और उन शब्दों के बगैर आप मनोविज्ञान को नहीं समझ सकते। चाहे आपको कितना ही अच्छा कोई टीचर पढ़ाए, आपको लगेगा कि हाँ मेरे समझ में आ गया, 10 दिन बाद में फिर भूल जाते हैं। हम वो मेथड नहीं भूलते हैं लेकिन उसमें जो शब्द लिखे हुए होते हैं उन शब्दों का अर्थ भूल जाते हैं और फिर समझ नहीं आता, परिणाम वही का वही। इसलिए एक ऐसा रजिस्टर या ऐसे पेज तैयार किए जाए जिसमें वो शब्दावली जो है वो लिखी हुई हो और उनको 2-3-4 बार वापस देखें। तो इसमें अगले जो कुछ शब्द, क्योंकि पहले जितने भी जो हमने 8-10-15-20 शब्द पढ़े थे उनसे आगे के शब्द हम देख रहे हैं, और उनमें सबसे पहला शब्द है गत्यात्मक। ये एक शब्द आता है गत्यात्मक, और जब गत्यात्मक शब्द आता है नहीं पता लगता क्या है गत्यात्मक। हिंदी के विद्यार्थी विशेष करके अपनी हिंदी का उपयोग लें, और जो हिंदी सब्जेक्ट से नहीं जुड़े हैं वो भी ध्यान रखें, 10वीं 12वीं या बीए तक एमए आपने जो भी किया है कहीं ना कहीं हिंदी को पढ़ा है। गत्यात्मक शब्द जो है वो गति से जुड़ा हुआ है। गति शब्द में आत्मक प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब गति, गति का अर्थ मूवमेंट। जैसे मेरा हाथ भी इस समय गति कर रहा है, तो गति शब्द जुड़ा हुआ है गत्यात्मक से। इसका मतलब क्या हो गया, गत्यात्मक विकास यदि कहा जाए तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया गति शारीरिक अंगों के मूवमेंट करने का जो विकास होता है वो गत्यात्मक कहलाता है। लेकिन यदि केवल शरीर के अंगों का मूवमेंट करने को ही हम गत्यात्मक विकास कहते तो फिर इसके स्थान पर शारीरिक विकास केवल इसी से काम चला लिया जाता। इसका मतलब शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है, देखो शारीरिक विकास होता है किसी का शरीर का बढ़ना, हष्ट पुष्ट हो जाना और उसमें एक बल का आ जाना, वो शारीरिक विकास है। लेकिन गत्यात्मक विकास में इसी के इक्विवेलेंट एक शब्द है मनोशारीरिक। अब मनोशारीरिक में मनोशारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है, मनोशारीरिक विकास का तात्पर्य है मन और शरीर दोनों का विकास होना। दोनों के विकास से तात्पर्य क्या है, जैसे एक बालक ने या एक व्यक्ति ने अपने मन के अंदर आने वाले लालच उस पर काबू पा लिया, तो लालच पर उसने काबू पा लिया इसका मतलब, इसका अर्थ ये उसने अपने मन पर या अपने मन का विकास कर लिया, और वो बालक अब दौड़ना भी सीख गया, ये हो गया उसके शरीर का विकास। ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, मनोशारीरिक, और इसे ही गत्यात्मक विकास कहा जाता है जहां उसने अपने मन और शरीर दोनों का विकास कर लिया। प्रश्न ये उठता है मनोगत्यात्मक विकास यदि किसी ने कर लिया क्या ये स्थिर रहते हैं या परिवर्तनीय होते हैं, इनकी गति धीमी होती है या इनकी गति तेज होती है, क्या होता है। तो गत्यात्मक विकास ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है गत्यात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन संगत है या असंगत है। गत्यात्मक विकास परिवर्तनीय होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जो या बेरोजगार युवा
जो उत्तरदायी है अपने कर्तव्यों के प्रति वो उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व का गुण उसमें है। और ये किसका विकास हुआ? उत्तरदायित्व का गुण जो है ये मन का विकास है, ये मन की बात है। और सुबह उठ करके वो दौड़ लगाता है, जल्दी उठता है, सुबह दौड़ता है, सुबह जल्दी उठता है। अब वही बेरोजगार, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार जिसमें उत्तरदायित्व का गुण है अपने परिवारजनों के प्रति, सुबह जल्दी उठ करके दौड़ लगाता है, हो सकता है वो किसी फौज पुलिस की तैयारी कर रहा है या फिर अपने शारीरिक सौष्ठव को बनाए रखने के लिए वो करता है। अब यही बेरोजगार, इसकी नौकरी लग गई, इसका रीट में सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड बन गया ये, जो ही इसकी नौकरी लगी, अब हो सकता है उसमें उत्तरदायित्व का गुण न रहे, लापरवाह हो गया वो। और ये भी हो सकता है कि वो सुबह उठ करके दौड़ भी नहीं लगाता है, वो देरी से उठता है। तो यही गत्यात्मक विकास उसका परिवर्तित हो गया, अब उसमें वो गत्यात्मक विकास नहीं रहा। तो ये इसे कहा जाता है गत्यात्मक विकास। लिखें एक बार या फिर आप स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है गामक विकास, पहले शब्द था गत्यात्मक विकास, अब शब्द है गामक विकास। कहीं ना कहीं इसमें गम धातु छिपी हुई है जिसका अर्थ होता है जानना, गम शब्द और जिसका अर्थ होता है जानना। तो ध्यान रखें, गत्यात्मक विकास में गति मूवमेंट से संबंधित था, जहां शारीरिक और मानसिक गुण भी गति, कि अब ये बालक जो है वो विकास करने में अब इसकी गति पकड़ ली है इसने, तो वहां गत्यात्मक में वहां मानसिक और शारीरिक दोनों थे, यहां गामक विकास में केवल और केवल शारीरिक से विकास से संबंधित है। यहां अंगों के जो शरीर के अंग है, शारीरिक अंगों के संचलन में दक्षता, अंगों के संचलन में दक्षता, अब इसका अर्थ क्या हो गया? अंगों का संचालन ये होता है, ये अंगों का संचालन है। एक बालक जो छोटा बालक है और उसके सामने ये मार्कर पड़ा हुआ है, वो इसे उठाने का प्रयास करता है, तो हो सकता है उसका हाथ इस तरह से पड़े और उसने इस तरह से इसको उठा लिया, झपट लिया और उसने इस तरह से उठा लिया, ये बालक का गामक विकास नहीं है। अब थोड़े दिन में बाद में बालक ने इसको इस तरह से पकड़ लिया, वो इसे खोलना चाह रहा है, तो पहले आरंभ में तो वो इस तरह से खोलता है इसको, अब वो इस तरह से पकड़ता है, इस तरह से खोलता है, लेकिन जब हम खोलते हैं इस तरह से खोलते हैं, वो बालक भी जब इस तरह से खोलना सीख जाता है, इसका मतलब उसके अंगों का संचालन उसने कुशलतापूर्वक करना सीख लिया। वो इसको इस तरह से या फिर इस तरह से उंगलियों को, अंगूठे को, इनको सबको काम में लेना जब वो सीख गया, ये गामक विकास होता है। तो शरीर के जो अंग हैं उनके संचलन में जो दक्षता आ जाती है वो गामक विकास हो जाता है। अब ये बताओ, यदि ये बात आपके समझ में आ गई तो शायद आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि यदि गामक विकास में मानसिक विकास को जोड़ दिया जाए, यदि गामक विकास में मानसिक विकास को जोड़ दिया जाए तो बराबर क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा गत्यात्मक विकास। गामक विकास प्लस मानसिक विकास बराबर गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास में मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों है, लेकिन यहां शारीरिक विकास कैसा? जिसमें दक्षता भी आ गई हो, अपने शारीरिक अंगों को प्रयोग करने की या उनको उपयोग में लेने की जो दक्षता, कुशलता, निपुणता आ जाती है, वो गामक विकास है। आगे देखें, एक शब्द है संज्ञान।
ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार साइको में आता है और बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं बता पाते। मैंने बताया भी था, ये अक्सर हिंदी की क्लास में भी इस तरह की बात होती है। और संज्ञा संकल्पना जब शब्द बताया था मैंने उस समय बताया था, सह के ऊपर बिंदी है पिछले वीडियो में, और उसको देखने के लिए जो भी लोग नए लोग हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें आप, वहां जो पहला वीडियो मिल जाएगा जिसमें पहला ही शब्द लिखा था संकल्पना। तो सह के ऊपर बिंदी लगी है उसको हटाएं, कल्पना शब्द वहां मूल शब्द है या ज्ञान शब्द है, इसका मतलब ज्ञान और संज्ञान विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें समुपसर्ग लगा तो कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा। संज्ञान किसे कहते हैं, देखिए ये ज्ञान शब्द से शब्द बना है संज्ञान, तो इसका मतलब है ज्ञान का होना संज्ञान है, लेकिन कौन से ज्ञान का, ऐसा विशिष्ट ज्ञान। हमें ज्ञान है कि कूलर जो होता है जब उस स्विच को हम ऑन करते हैं उसमें एक पंप होता है, एक मोटर होती है, पंप जो है वो पानी खींचता है और वो एक पाइप से ऊपर चढ़ता है, इस तरह से वो पानी तीन तरफ से उसमें पानी वापस गिरता है, पंखा उसमें चलता है और जो हवा आती है वो इसलिए ठंडी होकर के आती है, इसका मतलब हमें उसके प्रति ज्ञान है। इसका मतलब जब पूरी तरह से ठीक ठीक तरह से ज्ञान हो वो कहलाता है संज्ञान। लेकिन संज्ञान और ज्ञान में थोड़ा सा अंतर क्या है, आपके सामने यदि कोई समस्या आ गई और जब उस समस्या का आपको समाधान करना है, जब कोई समस्या आती है तो समाधान भी होता है। समस्या दो प्रकार की होती है, एक समस्या होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। ये मूर्त समस्या क्या होती है, अमूर्त समस्या क्या होती है, इसको भी अभी समझेंगे अपन। फिलहाल केवल ये देख लें कि मूर्त और अमूर्त जो समस्या है, तो इन समस्या समाधान हेतु चिंतन की जो योग्यता होती है, चिंतन की जो योग्यता होती है वो संज्ञान है। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि, या मान लो हम संपूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती आ गई कि एक ग्रह है और वो पृथ्वी से टकराने वाला है, क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे अपन सिवाय व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज कर सकने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। कि टकराएगा तो ठीक है, जब सातवीं क्लास में मैं पढ़ता था उस समय न फोन थे न कोई मीडिया इस तरह से था, और उस समय कहा गया था कि फला तारीख को जो ग्रह है वो पृथ्वी से टकराएगा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हम तीन मित्र थे, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, तीनों ने इस तरह से योजना बनाई कि शाम 5 बजे इस तारीख को यदि पृथ्वी पर टकराएगा वो ग्रह और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो क्यों नहीं अपन किसी अच्छी सी मिठाई की दुकान पर 5 बजे से ठीक 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले चले, ढेर सारी मिठाई चपट करके खा लेंगे और जब तक वो कुछ करेगा हमें वापस पीटेगा तब तक ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो हमारे इसके अलावा खाली कल्पनाओं में जीने के अलावा और कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यह है हमें उसके प्रति संज्ञान नहीं है, हमें उस समस्या समाधान है तो चिंतन की योग्यता ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, चिंतन की योग्यता तो हमारे अंदर है लेकिन जो समस्या आ गई सामने उसके प्रति, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनमें उसके प्रति संज्ञान है, इसलिए वो सोचेंगे इस ग्रह से आने वाली जो ये या अज्ञात जो भय है या फिर जो ज्ञात भय है इसको, इस अज्ञात खतरे या ज्ञात खतरे को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो उनमें वो चिंतन की योग्यता है। तो किसी भी समस्या के समाधान हेतु चिंतन की योग्यता। कूलर को हम, खराब कूलर को या खराब पंखे को जो भी हमारे जितनी बस में होती है उसको हम तैयार कर सकते हैं, हमें पता है ये वायर यहां से यहां कनेक्ट करना है, इसका मतलब हमें उसके प्रति संज्ञान है। अब प्रश्न उठता है, यही संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई है, उन 4 अवस्थाओं के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ोगे क्या जब तक आपको यही नहीं पता संज्ञान किसे कहते हैं। तो संज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी समस्या का अच्छी तरह से ज्ञान, उस समस्या को हल करने के लिए जो चिंतन कर सके अपन। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण जो अपनी अपना बल जो है उसको खोने वाली है, और जो ही वो इसको खो देगी तो क्या होगा, अगर किसी ने कोई गेंद ऊपर फेंक दी
हवा में कोई हमारा जो कमीज है कपड़ा है वो उड़ गया तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आने का है। और इसके लिए क्या करें तो बताओ क्या करेंगे अपन? अपन तो क्या करेंगे, वही व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज भेजेंगे इसके अलावा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संज्ञान नहीं है। तो जब जो समस्या होती है उसके समाधान है तो चिंतन की जिसमें योग्यता है, इसका मतलब उस चीज के प्रति संज्ञान है। तो कई चीजों के प्रति तो हमारे अंदर संज्ञान होता है, कहीं में नहीं होता है। अब बात यह उठती है कि मूर्त और अमूर्त संज्ञान की अवस्था, मूर्त संज्ञान भी होता है अमूर्त भी होता है, किशोर अवस्था में अमूर्त हो जाता है। तो ये अमूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है, ये इसके नेक्स्ट इसके बाद में जानेंगे, पहले एक बार आप इन्हें लिखें।